गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। दिस इज योर साइंस क्लास। प्लीज चेक आउट योर मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक एंड ओपन पेज नंबर 30। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर टाइप्स ऑफ फाइबर्स। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, वैरायटी ऑफ फाइबर्स पढ़ा था, जैसे सिल्क फाइबर होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, वूल फाइबर होते हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। टू तरह के आपके फाइबर्स होते हैं, एक होता है आपके नेचुरल फाइबर और एक होता है आपके सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। फाइबर जो कि आपको मिलते हैं प्लांट्स या एनिमल्स से, वो आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन एंड ज्यूट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। जो आपके कॉटन और ज्यूट होते हैं, वो आपको मिलते हैं प्लांट से। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ गोट और शीप। और जो फ्लीस होता है गोट और शीप का, यानी उसकी जो अपर बॉडी में, गोट और शीप की बॉडी के ऊपर जो आपका फर लगे होते हैं, ठीक है, जो हेयर्स होते हैं, उन्हें हम फ्लीस बोलते हैं। तो जो वूल होता है वो हमें शीप और गोट के फर से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट। ये रैबिट के हेयर से भी मिलते हैं, याक के हेयर से भी मिलते हैं और कैमल्स के हेयर से भी मिलते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क फाइबर होता है वो मिलता है कुकून से। कुकून किसका होता है? वो सिल्क वॉर्म, ठीक है। सिल्क वॉर्म जो होता है उसका कुकून होता है। कुकून क्या होता है? जब आपकी एक सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल होती है, तो एग के बाद जब वो चेंज होता है तो वो कुकून में चेंज होता है, ठीक है, उसके बाद वो सिल्क वॉर्म बनता है। तो जब कुकून होता है तो उससे आपको क्या मिलता है? आपको सिल्क मिलता है, ठीक है। कुकून क्या होता है? जिसमें वो अंदर रहता है। तो कुकून से जब वो बाहर निकलता है, ठीक है, वॉर्म बाहर निकलता है, तो वो जो उसका अंदर का पार्ट होता है उसमें हमारा सिल्क प्रेजेंट होता है। सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर्स दैट आर मेड बाय मैन फ्रॉम केमिकल्स लाइक पेट्रोलियम आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। वो फाइबर जो कि मैन को मिलते हैं, मैन खुद बनाता है, ठीक है, या आपको किसी नेचुरल सोर्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते, ये जो ह्यूमंस होते हैं वो खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ, जैसे पेट्रोलियम होता है उसकी हेल्प से। तो वो फाइबर्स आपके होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। फॉर एग्जांपल, नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। इसके जो एग्जांपल है आपके सिंथेटिक फाइबर के जो एग्जांपल हैं, वो आपके हैं नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांट फाइबर्स। यानी नेचुरल फाइबर्स के अंदर आपके प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स आते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे अबाउट प्लांट फाइबर्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 31। प्लांट फाइबर्स, अ नंबर ऑफ फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। बहुत सारे जो आपके फाइबर्स होते हैं वो आपको प्लांट्स से मिलते हैं। Plants of cotton, flax, jute and coconut gives us fibers. Plant जो कि जैसे cotton के होते हैं, flax के होते हैं, jute के होते हैं, coconut के होते हैं, ये हमें fibers provide करते हैं। Fibers obtained from these plants are used to make clothes and other things. और ये जो fiber होते हैं जो इन plants से मिलते हैं, वो हमें clothes बनाने में help करते हैं और बाकी चीज़ें, for example आपके जो sacks होते हैं, यानी आपके जो बोरे होते हैं, ठीक है, आपके जो बाकी के सामान होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ईयरबड हो गए, ठीक है, इन सबको बनाने में ये हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉटन। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉटन की। कॉटन कैसा होता है? वाइट कलर का, है ना, सबने देखा है ना। जो हम लोग मंदिर में भी यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग अपने जब चोट लग जाती है तो हम उसको डेटॉल में डिप करके भी यूज करते हैं, ठीक है, हमारी ईयरबड में भी लगा होता है, वो सब क्या होता है? हमारा कॉटन होता है, ठीक है, और हम वेयर भी करते हैं कॉटन क्लोथ्स, ठीक है। तो वो कॉटन हमारा प्लांट फाइबर होता है। कॉटन इज द मोस्ट वाइडली यूज फाइबर ऑफ ऑल प्लांट फाइबर। कॉटन सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला प्लांट फाइबर है। द कॉटन प्लांट इज ग्रोन एज
एंड नेचुरल एज एन एनुअल प्लांट. सो जो कॉटन प्लांट होता है वो एनुअल प्लांट की तरह होता है. अ प्लांट दैट ग्रोज विद इन वन ग्रोइंग सीजन. ये ऐसा प्लांट होता है जो कि सिर्फ एक सीजन में ग्रो होता है, उसके बाद ये ग्रो नहीं करता है. तो ये पूरे ईयर में एक ही सीजन में अपने आप को ग्रो कर पाता है. अ मैच्योर अपलैंड कॉटन प्लांट रेंजेस अबाउट 0.6 मीटर टू 1.5 मीटर इन हाइट. जो आपका मैच्योर, सबसे ज़्यादा मैच्योर, मतलब जब मैच्योर कब होता है प्लांट, जब वो कॉटन देने लगे. ठीक है, तो ये जो मैच्योर प्लांट होता है कॉटन का, उसकी जो हाइट होती है वो होती है 0.6 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक. इट इज़ मेनली ग्रोन इन ट्रॉपिक्स विच हैव एनुअल टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस ऑल ईयर राउंड. सो ये ट्रॉपिक एरियाज में रहता है जहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर रहता है. इट ग्रोज बेस्ट इन फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल दैट गेट्स एडुकेट मॉइस्चर ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन. और ये बेस्ट ग्रो तब करता है जब आपकी सॉइल फर्टाइल हो, यानी उसमें बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हो सॉइल में, वेल ड्रेन्ड सॉइल हो यानी उसमें अच्छे से पानी हो और उनको मॉइस्चर मिल सके. ठीक है, अपने ग्रोइंग सीजन में उनको मॉइस्चर मिल सके. तो ये वहीं पे उगते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें आपके मिलते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पंजाब में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, इन सब जगह पे आपके कॉटन प्लांट उगते हैं. ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल इज़ बेस्ट सुटेड फॉर ग्रोइंग कॉटन. जो ब्लैक सॉइल होती है और एलुवियल सॉइल होती है, ये टाइप्स ऑफ सॉइल हैं. ठीक है, यहाँ पे आपके कॉटन प्लांट लगते हैं. इन इंडिया कॉटन इज मोस्टली ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा. इंडिया में जो कॉटन होते हैं वो कहाँ कहाँ लगते हैं आपके? महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है, तमिलनाडु में होता है. ठीक है, अब देखा जाए तो ये आपके सेंटर में है लगभग. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो साउथ की साइड है, यानी साउथ वेस्ट बोल सकते हो आप इसे. गुजरात है, ये आपका कहाँ पे? वेस्ट में. तमिलनाडु आपका है साउथ में. मध्य प्रदेश इन मिडल समहाउ. आंध्र प्रदेश आपका है ईस्ट साइड में ऑलमोस्ट. राजस्थान जो है आपका, वो है आपका वेस्ट में. पंजाब है आपका वेस्ट नॉर्दर्न साइड में. हरियाणा भी आपका नॉर्दर्न साइड में. तो यानी ये लगते तो हर जगह ही हैं, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, लेकिन जहाँ पे इनको अच्छी सॉइल मिलती है, फर्टाइल सॉइल मिलती है, वहाँ पे ये लग पाते हैं. ठीक है, इट इज़ सोन ड्यूरिंग मई टू सेप्टेम्बर एंड इट्स हार्वेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर. ये मई और सेप्टेम्बर के बीच में लगता है. ठीक है, मई और सेप्टेम्बर के बीच में लगता है. और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, यानी इसको जब काटा जाता है और यूज़ करने के लिए काट दिया जाता है, जब ये पूरी तरह ग्रो हो जाता है, वो होता है मंथ अक्टूबर का. कौन सा मंथ होता है वो? अक्टूबर का. ओके, ऑल पार्ट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर यूजफुल. सारे जो पार्ट्स होते हैं कॉटन प्लांट्स के, वो यूजफुल होते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट इज द फाइबर, ऑल्सो कॉल्ड द लिंट, विच ग्रोज आउट द सीड दैट आर इनसाइड द कॉटन बॉल. सो आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कॉटन का, वो होता है आपका सीड. ठीक है, जो सीड होता है उसका, उसके अंदर से आपके निकलता है कॉटन. ठीक है, कॉटन बॉल से निकलती है, जिसे हम लिंट भी कहते हैं. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट तो हमारा यही है, बाकी पार्ट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं. सो क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डू टिल हियर. इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, with this the class end here. I hope you understand this chapter till now. You have to read this chapter till here, and if you have any query you can ask me in our live class. With this the class end here. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.